नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, मैक्सिमम टाइम लेडीज़ किसी पार्टी या फंक्शन में जाना हो तो लंबे वाले या हैवी वाले इयररिंग्स डालते हैं, वो भी सूट या साड़ी से मैचिंग करते हुए। ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो हमारे कान के छेद हैं वो बड़े पड़ जाते हैं और बहुत परेशानी होती है। ऐसे में हम लोग सर्जरी करवाते हैं, लेकिन उसका भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट रहता है। आज की जो वीडियो है उसी में आपको एक ऐसा टिप बताऊंगी जिसको अपनाने से आपके कान के छेद जो कि बड़े हो चुके हैं उनको आप नॉर्मल शेप में ला सकते हो। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कई बार हमारे कान के छेद बड़े हो जाते हैं, ऐसे में आपने कोलगेट की हल्की सी पेस्ट लेनी है और उसे अपने सोते टाइम कानों पर अप्लाई करना है जहां के छेद आपके बड़े हो गए हैं। अब इस पेस्ट को ऐसे ही रहने दीजिए और मॉर्निंग में उठते ही उसे साफ़ पानी से धो लीजिए। आप देखोगे कि आपके कान के छेद थोड़ा ड्राई पड़ गए हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। अब इस टिप को डेली कुछ दिन तक अप्लाई कीजिए, आप देखोगे कि आपके कानों के छेद कुछ दिनों बाद नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस टिप को अपनाइए और अपने कानों के छेदों को नॉर्मल शेप में लाइए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ आपको और भी सावधानियां बरतनी हैं। जैसे सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप झुमके पहनती हैं तो इसके लिए कोई ना कोई सपोर्ट जरूर लीजिए। गौर मतलब है कि कपड़े पहनते इसमें लंबे या भारी इयररिंग उतार दें। इसके अलावा कभी भी ज़्यादा देर तक टिकने वाले इयररिंग न पहने क्योंकि इससे भी कान का छेद बड़ा हो सकता है। गौर मतलब है कि यदि आपके कान की उस जगह की सर्जरी करवाई हो तो कम से कम 6 महीने तक कान में दोबारा छेद या पियरिंग्स न करवाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कान में गंदगी भी भर जाती है, उसके लिए भी हम आपको आज एक घरेलू उपाय बताएंगे। कान हमारे शरीर का एक बेहद संवेदनशील अंग है, इसके साथ ही कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। कान में मैल जम जाना या खोंट हो जाना एक सामान्य बात है, इसे ईयर वैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सच है कि कई बार घरेलू उपायों से सावधानी बरतते हुए खोंट को भी साफ किया जा सकता है, लेकिन इस काम को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अगर खोंट बहुत कड़ी होकर जम गई है तो बेहद है कि इसे निकलवाने के लिए आप डॉक्टर के पास ही जाइए। कान को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाना भारी पड़ सकता है। यह जेल जैसा ल्यूब्रिकेंट होता है जो डेड सेल से बना होता है, इसके अलावा इसमें फैट और सूक्ष्म बाल भी होते हैं। हालांकि ईयर वैक्स कानों की सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो कई बार सुनाई देना भी कम हो जाता है। कई बार इसकी वजह से कान दर्द और संक्रमण मीन्स इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। यह ईयर ड्रम को भी ब्लॉक कर देता है जो कि सुनने में बहुत मेन रोल निभाते हैं। ईयरफोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करने और बार बार ईयरबड का इस्तेमाल करने से कानों में खोंट अंदर की ओर जमा हो जाती है, इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिनको अपनाने से आप जमी हुई मैल को साफ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है गर्म पानी। पानी को हलकुला गुनगुना कीजिए और इसके बाद ईयरबड की सहायता से अपने कान में थोड़ा सा गर्म पानी डालिए। गर्म पानी आपके कानों की मैल को साफ करता है। इसके बाद कान को झुकाकर गर्म पानी कान से निकाल दीजिए। ये कान की मैल साफ करने का बेहद आसान तरीका है। नमक और गर्म पानी। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लीजिए। इस मिश्रण को ईयरबड पर लगाकर कान में घुमाएं। इससे आपका कान पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है अदरक और नींबू का रस। अदरक के रस में नींबू का रस मिला लें। अब इस मिश्रण को ईयरबड पर लगाकर कान में घुमाएं। ऐसा करने से आपके कानों का पीएच लेवल बना रहता है। ये आपके कानों की सफाई करने का सबसे बेहद आसान तरीका है। इसके बाद आता है बादाम और सरसों का तेल। बादाम के तेल की ही तरह सरसों का तेल भी इस्तेमाल लाया जा सकता है, पर सरसों के तेल की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। तेल के इस्तेमाल से खोंट ढीली पड़ जाती है और आसानी से बाहर निकल जाती है।
तो फ्रेंड्स, कई बार कुछ लोग अपने कानों में कुछ ऐसी चीज़ें डाल लेते हैं जैसे कि हेयर पिन, माचिस की तीली, सेफ्टी पिन, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आपके कान में मैल है ज़्यादा हो रही है तो फ्रेंड्स, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और अपने कानों की सफाई करवाइए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे थे जिनको अपनाने से आप अपने कानों की मैल को निकाल सकते हो, साथ ही कानों के छेद को भी नॉर्मल शेप में ला सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल